हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में आईपीएच में मल्टीपर्पस वर्कर और एचपीपीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां चली हुई हैं, तो इन्हीं भर्तियों से रिलेटेड इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जल शक्ति मंत्री के गृह क्षेत्र धर्मपुर मंडल में पानी की पाइप के साथ महिलाओं को दौड़ाकर जल शक्ति विभाग में जो मल्टीपर्पस वर्कर की भर्ती करवाने की प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके लिए माकपा ने कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे बेरोजगारी के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। धर्मपुर मंडल के अधिकारियों द्वारा इंटरव्यू प्रक्रिया में ये शर्त रखी गई है कि निर्धारित दूरी को कोई अभ्यर्थी कितने कम समय में पाइप के साथ पूरा करता है, उसी को उपयुक्त माना जाएगा। धर्मपुर मंडल के अधिशासी अभियंता द्वारा कॉलेज ग्राउंड धर्मपुर में 54 मल्टीपर्पस वर्कर भर्ती करने के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जल शक्ति विभाग धर्मपुर मंडल में पहले भी 1500 मजदूर बिना किसी इंटरव्यू के चिटों के आधार पर भर्ती किए जा चुके हैं और अब सरकार के कार्यकाल में 1 माह का कार्यकाल शेष रह गया है, तब इस प्रकार की नौटंकी की जा रही है। भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि धर्मपुर मंडल में अभी तक जो भी भर्तियां हुई हैं वे सब गैर कानूनी तौर पर की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 माह पहले लोक निर्माण विभाग में भर्ती के लिए 50 किलो की सीमेंट की बोरी के साथ अभ्यर्थियों को दौड़ाया गया था। मजदूर संगठन सीटू के जिला प्रधान व पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने इन शर्तों को युवाओं के साथ भद्दा मजाक बताया है। उनके अनुसार फिजिकल टेस्ट के लिए 50 किलो कट्टा या पाइप उठाने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कोई और मापदंड भी हो सकता था। तो दोस्तों, चूंकि भर्तियां लगभग समाप्त हो गई हैं, यानी कि मैक्सिमम जो हैं इंटरव्यूज ली जा चुके हैं, स्किल टेस्ट हो चुकी है और उनके रिजल्ट भी निकाले जा चुके हैं, तो अब जिन डिविजन्स में भर्तियाँ अभी शेष हैं, यानी कि इंटरव्यूज और स्किल टेस्ट अभी होने हैं और उनके परिणाम निकाले जाने हैं, तो उम्मीद यही है कि आचार संहिता लगने से पहले ये भर्तियां संपूर्ण कर ली जाएंगी। इन भर्तियों से रिलेटेड किसी भी डिवीज़न का फाइनल परिणाम हम तक जैसे ही पहुंचता है, उसकी अपडेट वीडियो आप तक पहुंचा दी जाएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।